उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक नई अपडेट जारी हुई है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है, सबसे पहले जान लीजिए 12वीं के क्वालिफिकेशन पे भर्ती जारी होगा, जिसमें आपको होमगार्ड की वैकेंसी पोस्ट जारी किया जाएगा। और इसमें टोटल आपको जो नंबर ऑफ पोस्ट मिलेगा 30,000 यहाँ पे टोटल वैकेंसी पोस्ट जारी की जाएंगी। यहाँ पे अधिकतम जो आपकी आयु मांगी गई है 45 वर्ष, और इसमें जो आपका फिजिकल लिया जाएगा 1500 मीटर की आपको दौड़ करनी पड़ेगी, 10 मिनट में ये दौड़ कम्प्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आपका लंबाई लिया जाएगा 162 सेंटीमीटर आपकी लंबाई ली जाएंगी। होमगार्ड की वैकेंसी है, ये है यूपी की वैकेंसी। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा। सो चलिए जानते हैं इस फॉर्म के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। ये जो आपकी वैकेंसी जारी की गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड प्रोफेशनल बोर्ड के द्वारा आपकी ये वैकेंसी जारी किया गया, जिसमें आपको टोटल 30,000 वैकेंसी पोस्ट इसमें जारी की गई हैं। होमगार्ड की वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी, सैलरी आपको सिपाही के बराबर यहाँ पे सैलरी मिलेगा। गवर्नमेंट ये जॉब है, आप लोग को इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट भर्ती अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद आपको यूपी में ये जॉब करना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे सोर्स सूचना जारी की गई है जो इस फॉर्म के डिटेल्स के बारे में, अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई हैं। न्यूज़पेपर में आप इसे पढ़ सकते हैं कि ये वैकेंसी आपकी क्या क्या इसमें बताई गई हैं। आगे की जानकारी के बारे में हम बात करते हैं। ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th यानी कि 12वीं की क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के माध्यम से आपकी 12वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपकी एज मांगी गई है, 18 से 45 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसमें आपके एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और गैस ये भी जान लीजिए कि ये फॉर्म ऐसा नहीं है कि जो भी कैंडिडेट होमगार्ड के लिए जॉब किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप होमगार्ड में पहले से जॉब किए हैं तभी पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको एज में छूट मिलेगा, SC/ST के लिए 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की एज में इसमें छूट मिलेगी। फिजिकल जो आपकी डिटेल्स यहाँ पे रखी गई हैं, सबसे पहले हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल मेल कैंडिडेट की जो हाइट यहाँ पे मांगी गई है 167.7 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, और SC/ST के लिए यहाँ पे जो हाइट रखी गई है 162.6 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। ये फॉर्म फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल की अभी जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है, मेल के लिए यहाँ पे जो लिस्ट है वो आपको अपडेट हो चुका है। चेस्ट यहाँ पे जो लिया जाएगा जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 78.8 से 83.8 सेंटीमीटर की चेस्ट यहाँ पे मांगी गई है जनरल मेल के लिए, और SC/ST मेल के लिए जो यहाँ पे आपकी चेस्ट मांगी गई है 76.5 से 81.5 आपका यहाँ पे चेस्ट लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट की रनिंग होगी, यहाँ पे बताया गया है 1500 मीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी 10 मिनट में ये रनिंग कम्प्लीट करेगा उस 5 अंक दिया जाएगा, जो 8 मिनट में कम्प्लीट करेगा उसको 7 अंक दिया जाएगा, जो 6 मिनट में कम्प्लीट करेगा उसे 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जिस हिसाब से इस रनिंग को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आपको अंक दिया जाएगा। वही हम महिला के लिए अगर हम बात करें तो महिला कैंडिडेट के लिए जो रनिंग करना पड़ेगा 400 मीटर की आपको रनिंग करना है 2.5 यानी कि 2.5 मिनट में अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 3.5 मिनट में ये रनिंग कंप्लीट करेंगे तो 7 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट में रनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। तो जिस भी समय से आप कंप्लीट करेंगे रनिंग को उसमें यहाँ पे आपको उतना अंक दिया जाएगा। ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपकी सिलेक्शन होने वाली है, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा मेजरमेंट, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे, उसके बाद आपके वेटेज की मार्क की जाएंगी, उसके बाद फाइनल मेरिट जारी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, देन उसके बाद आपका होगा इसमें सिलेक्शन। रिटर्न एग्जाम इसमें नहीं होगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा, आपका रिटर्न एग्जाम इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो नई अपडेट जो भी जारी हुई है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे एक एक चीज अपडेट कर रहे हैं। ये जो आपकी वैकेंसी अप्लाई होगी जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, फोटो सिग्नेचर क्वालिफिकेशन डोमिसिल और कास्ट, ID प्रूफ में आप पैन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी ID आप दे सकते हैं, और जिनके नाम से फॉर्म सबमिट होगा उनका पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सितंबर 2021 में ये फॉर्म अप्लाई होगा, और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है अक्टूबर 2021 तक फॉर्म अप्लाई होगा। एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, आपका फिजिकल होगा और ये आपका इंटरव्यू होगा, ये सब डिटेल्स होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। जो भी नया अपडेट आता है उसके बारे में आपको जल्द से जल्द बता दूंगा। अभी फ़ी के बारे में भी डिटेल्स नहीं अपडेट हुई है, तो फ़ी के बारे में हम आपको यहाँ पर यही कह सकते हैं कि जैसे ही न्यूज़ अपडेट होती है नया, वो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा
कितना आपको इसके लिए फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। इस फॉर्म के डिटेल्स के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन की डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं और सारी जानकारी को आप चेक कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म अप्लाई होने की जो डेट है वो निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए लिंक नहीं एक्टिवेट होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिडायरेक्ट कर दिया जाएंगे, जहाँ से आप डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। जो नया अपडेट था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें 19,000 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन 30,000 टोटल वैकेंसी पोस्ट जारी होगा। और इसमें जो आपकी फिजिकल होगी और आपका रनिंग कितना होगा इसके बारे में अपडेट आई है तो मैंने बता दिया है, और आपका सिलेक्शन क्या होगा वो भी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कोई सवाल होगी तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।